नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री मोहन यादव की शपथ के बाद हुई। 12 दिन बाद सोमवार को मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के चेहरे सामने आए। केंद्र में मंत्री पद छोड़कर आए प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। फिलहाल कैबिनेट में उनका पोर्टफोलियो तय नहीं हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक साथ इतने दिग्गज नेता सरकार का चेहरा बन रहे हैं। सरकार के टॉप 5 चेहरों में शामिल दिग्गजों को गृह एवं जेल, नगरीय विकास, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन और परिवहन के साथ ही राजस्व जैसे विभाग मिल सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि विजयवर्गीय को गृह मंत्रालय देने की चर्चा है, लेकिन इस पर आखिरी फैसला दिल्ली से ही किया जाएगा। तो विभागों का बंटवारा होना बाकी है मंत्रिमंडल के सदस्यों को। टीम मोहन 28 मंत्रियों के साथ तैयार है। हालांकि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, ऐसे में मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह और राव उदय प्रताप सिंह मंत्री बन चुके हैं, लेकिन दिग्गज नेताओं का विभाग क्या होगा ये तय नहीं है। कहा यह जा रहा है कि टॉप 5 दिग्गजों को गृह एवं जेल, नगरीय विकास, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन और परिवहन, राजस्व जैसे विभाग दिए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो विजयवर्गीय को गृह मंत्रालय देने की चर्चा है, लेकिन अंतिम मुहर दिल्ली से लगेगी। इस बीच मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में विभागों के बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई। मंत्री चैतन्य काश्यप के मुताबिक बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा और सरकार की योजनाओं पर चर्चा हुई है। वहीं कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। कई मुद्दों के साथ ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रियों के विभागों को लेकर भी मंथन किया गया। उधर मंत्रियों के विभागों को लेकर प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर प्रदेश में सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस अब आरोप लगा रही है कि विभागों को लेकर बोली लगाई जाने लगी है, लेकिन बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और कहा कि ये तो उनकी सोच है। कहा कि समय पर विभागों का बंटवारा भी कर ही लिया जाएगा। मंत्रियों की शपथ ग्रहण के बाद उनके पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा होने लगी है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है और इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ये साफ तौर के ऊपर मध्य प्रदेश में जिस तरह से ये कैबिनेट को लेकर चर्चा चल रही है, देरी हो रही है, इससे नुकसान जनता जनार्दन का हो रहा है। सरकार बन गई, 3 हफ्ते तक कैबिनेट नहीं बन पाया, अब कैबिनेट बना है आखिरकार, तो विभागों का आवंटन नहीं हो पा रहा है। साफ तौर पे ये समझ में आ रहा है कि नीलामी हो रही है विभागों की। इससे पहले कैबिनेट के मंत्रिमंडल में जगहों की नीलामी चल रही थी, बोलियां लगाई जा रही हैं। जब बोलियां पूरी हो जाएंगी तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में विभाग आवंटित हो जाएंगे। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि ये कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सोच पर भी सवाल उठाए। पहली बात तो ये है कि कैबिनेट का लंबा इंतजार नहीं, थोड़ा सा इंतजार और उतना जायज है। जिस प्रकार से मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ है, उनके नाम सामने आए हैं, तो उसमें समझ में आता है एक्सरसाइज हुई है। रही बात पोर्टफोलियो की, तो कांग्रेस चिंता ना करे, वो भी भाजपा के मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी कर लेंगे, ये उनका अधिकार है। कांग्रेस बेचैन क्यों है? दरअसल क्या है, जैसी दृष्टि वैसी सोच, कांग्रेस की सोच यहीं तक है और इसी कारण कांग्रेस के वध से बदतर हालात हो चले हैं, क्योंकि इससे उठ के कांग्रेस सोच नहीं सकती। मंत्रियों के विभागों पर चर्चा पहले भी होती रही है, हालांकि इस बार कई दिग्गज नेता हैं जो मंत्री बने हैं, लिहाजा इस पर अब सियासत भी हो रही है। तो मामले को लेकर अब सियासत होने लगी है। दूसरी तरफ कयास भी लगाए जा रहे हैं कि किसे कौन सा पोर्टफोलियो मिल सकता है, लेकिन लंबे इंतजार के बाद
अब जब कैबिनेट बनी है तो उसमें विभागों का बंटवारा क्यों नहीं। प्रशांत कटारे हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रशांत, टीम तो बना दी गई लेकिन अभी तक जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, यानी कि मंत्रियों को बगैर पोर्टफोलियो के अगर उनको मंत्री बना दिया गया है तो वे करेंगे क्या? इसलिए बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द उन्हें विभाग बांट दिए जाए। बिल्कुल बहुत जरूरी है पुनीत, बिल्कुल ठीक बात आपने कही, लेकिन पूरा सोच विचार कर, पूरा विचार विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। जैसा कि आपने बताया, अभी यहां पर बताया भी जा रहा था कि भाई जिस अंदाज में मुख्यमंत्री का चयन दिल्ली से हुआ, मंत्रिमंडल तय हुआ दिल्ली से, उसी तरह से विभाग भी दिल्ली से ही तय होंगे, चर्चा होगी और बिल्कुल सटीक आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये मंत्रालय इसी के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। इसमें नाम बहुत सारे हैं, चर्चा बहुत सारे, नाम बहुत सारे चर्चा में हैं, सीनियोरिटी सारी चीजें। समय थोड़ा सा कम है प्रशांत, वरना और आपसे जानकारी लेते। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, और वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं। यहाँ पर चार बच्चों का तो सम्मान भी किया गया। कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किए, हमारे अस्थाई निवास में आयोजित किए। आज वीर बाल दिवस है और सवेरे से हम लोग कई कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं और आज का ये अंतिम कार्यक्रम है। देश की आजादी में और हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए कितने लोग अपनी कुर्बानी दिए, लेकिन शायद हमारे देश के इतिहास में उनका जिक्र नहीं है। और वीर बाल दिवस जिस उपलक्ष्य में पिछले साल से मना रहे हैं, उसके विषय में ग्रंथी अमृत सिंह जी विस्तार से बताएं कैसे चार साहबजादे, अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, अब इनकी कुर्बानी हिंदुत्व के लिए। जोरावर सिंह जी मात्र 9 साल के थे, फतेह सिंह जी मात्र 6 साल के थे। इस उम्र के बच्चों को खेलने कूदने के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन धर्म के लिए इतना बड़ा उनका बलिदान, मुगलों ने कैसे उनको प्रलोभन दिया, डराया, धमकाया, लेकिन वो दीवार में चुनना पसंद कर लिए लेकिन अपना धर्म छोड़ना कबूल नहीं किए। तो आज के इस अवसर में उन चारों साहेबजादों के बलिदान को हम नमन करते हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के द्वारा चार हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है, उनके साहस को भी हम नमन करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जैसे मैंने सुना, डॉक्टर सोलंकी छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी स्थापना के बाद जो लगातार कई क्षेत्रों में काम कर रहा है, रिसर्च के क्षेत्र में भी काम कर रहा है, और ये जानकारी भी आज हम लोगों को, बहुत लोगों को मिली, और सबको मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत धनी प्रदेश है। भगवान ने इसको बहुत अच्छे से बनाया है, प्राकृतिक संपदा भरपूर है, उर्वरा शक्ति से भरपूर यहाँ की भूमि है, जो अन्न उगाता है, और यहाँ की धरती में खनिज संपदा भरपूर है, आयरन ओर से लेकर बॉक्साइट के लेकर गोल्ड और डायमंड तक है। सिर्फ इसको सजाने और संवारने की आवश्यकता है, और
आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते जो एक छोटे से गांव से हम आते हैं, मेरा छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी से आग्रह होगा कि समय समय पर आप लोगों का भी मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में बहुत सहूलियत होगी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इस कहावत को चरितार्थ करने में सफल होंगे और छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी आगे भी इसी तरह का काम करता रहे। निश्चित रूप से आज के इस दिवस के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पिछले साल 9 जनवरी को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया और इस वीर बाल दिवस को पिछले साल से मनाना शुरू किए। इस साल बहुत व्यापक स्तर पर इसको मनाएं और हम समझते हैं कि आगे आने वाले सालों में और इसकी व्यापकता बढ़ेगी और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो साहबजादे, चार साहबजादे हिंदुत्व के लिए कुर्बानी दिए, इसको याद करते रहेगी और सर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने पुरस्कृत किया है हमारे बच्चों को। पुरस्कार भले छोटा हो लेकिन पुरस्कार पुरस्कार होता है, लोगों का मनोबल बढ़ाता है। तो मैं भी छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से आज की इस अवसर में चारों बच्चों ने जिन्होंने अदम साहस का परिचय दिया है उनको 50,000 रुपये पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा करता हूं। और आज इस अवसर पर सोसाइटी के सबका और चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात कर लेते हैं जो कि एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कैबिनेट की बैठक आज उन्होंने बुलाई थी, सभी मंत्रियों के साथ बैठक की, विकास कार्यों पर बातचीत की गई और इस बैठक के बाद सीएम ने संभागों के प्रभारी और सभी अपर मुख्य सचिवों के साथ भी बैठक की। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भी शामिल हुए, उनके अलावा मुख्य सचिव वीरा राणा भी शामिल हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव ने संभागों में चल रही विकास योजनाओं और उनकी गति को लेकर मुख्यमंत्री को जानकारी दी। मुख्यमंत्री एक्शन में हैं और आज उन्होंने बैठक ली है, प्रमुख सचिव भी इस बैठक में मौजूद थीं और विकास कार्य जो चल रहे हैं सभी संभागों में उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को आज भी देती हुई नजर आई। कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ भी बैठक की और समीक्षा की है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री एक्शन में और दूसरी तरफ उनके मंत्री भी एक्शन में। जबलपुर में मंत्री राकेश सिंह एक्शन में नजर आए। राकेश सिंह ने अधिकारियों को न केवल फटकार लगाई बल्कि चेतावनी भी दी। मंत्री ने साफ किया कि जनता के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लोगों की समस्या सुनी और समाधान के लिए अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी वही दे डाले। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात मंथन पर राजनीति के कर लेते हैं। भोपाल में कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक के बाद एमपी कांग्रेस की कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया गया। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने इसको लेकर बयान दिया, वहीं जिला प्रभारी और जिलाध्यक्ष अगले आदेश तक काम करते रहेंगे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि बैठक में कई तरह के सुझाव भी आए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने युवा टीम बनाने की बात कही और यह भी कहा कि कांग्रेस मैं नहीं
हम के साथ आगे काम करें। अहम निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भंग किया जाता है और जो भी जिले के प्रभारी और सह प्रभारी हैं अग्रिम आदेश तक वो अपना कार्य करेंगे। दिन भर की मैराथन के बाद कि हमारा संगठन युवा हो, नया हो, सक्रिय हो, आपस में संवाद हो और माइक्रो लेवल पर हर तरीके का मैनेजमेंट हो, चाहे बूथ का हो या वर्कर का हो। मैं मानता हूं हमने संकल्प लिया है, मैं नहीं हम से कांग्रेस चलेगी और एक साथ जनता के लिए विपक्ष में रहकर मध्य प्रदेश समृद्ध बनाने के सपने को साकार करेगी। तो मैं नहीं हम से अब कांग्रेस चलेगी, ये जीतू पटवारी कहते नजर आए। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भोपाल में कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह की बैठक में गुटबाजी और भीतर घात को हार का मुद्दा बताया गया। उधर कांग्रेस के मंथन पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर मंथन जारी है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने भोपाल में बैठक की। इस बैठक में जिला प्रभारियों के अलावा जिला अध्यक्षों ने भी शिरकत की। मंथन में गुटबाजी और भीतर घात को हार की बड़ी वजह बताया गया। यही नहीं, हरवाने वाले कांग्रेसियों पर कार्रवाई की मांग की गई। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के टिकट जल्द घोषित कर बड़े नेताओं को चुनाव लड़वाने की मांग की गई। कई लोगों ने बताया है कि पर उसकी भी बना जो प्रत्याशी थे हमारे जो हारे हैं और जो कांग्रेस वालों ने भीतर घात की है उसका नाम और उसका मतलब शिकायत उनके प्रभारी हमारे उनको दी है और उसको मतलब निश आधार पर उनको नोटिस जारी होगा और जारी करने के बाद उसका संतोषजनक जवाब दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। उधर कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने जीतू पटवारी पर आरोप लगाया कि वो कमलनाथ को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की नीति करार दिया। तो क्या कमलनाथ जी पर आरोप लगा रहे हैं जीतू पटवारी जी? क्या कमलनाथ जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जीतू पटवारी जी? क्या कमलनाथ जी का जो कार्यकाल रहा वो बेकार रहा है और वहाँ गुटबाजी जोरों पर थी यही सिद्ध कर रहे हैं जीतू पटवारी जी? मुझे लगता है कि जिस प्रकार की बातें कही जा रही हो इससे तो सीधे सीधे कमलनाथ जी कटघरे में खड़े होते हैं और ये कटघरे में एक दूसरे को खड़े करना, उनका बिल AICC में देना, ये बताता है कि अभी लड़ाई और तेज होगी। कांग्रेस में मंथन चल ही रहा है, साथ ही बदलाव की बयार भी चल रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कम वक्त बचा है, ऐसे में नए बने प्रदेश प्रभारी के अलावा जीतू पटवारी के लिए भी बड़ी चुनौती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिवनी के बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन की, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। और इस वायरल वीडियो में विधायक दिनेश राय अपनी 103 वर्षीय दादी से लाड़ प्यार करते नजर आ रहे हैं। विधायक दिनेश राय अपनी दादी की चोटी बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। विधायक के अंदाज को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। तो देखिए, दादी से लाड़ प्यार का ये वीडियो विधायक का जो है काफी पसंद किया जा रहा है। अपनी दादी से लाड़ प्यार तो कर ही रहे हैं, दादी की चोटी बनाते हुए नजर आ रहे हैं विधायक दिनेश राय और लोग उनके इस अंदाज को बहुत पसंद कर रहे हैं। वीडियो भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जाहिर सी बात है कि विधायक भी उनकी भी उम्र अच्छी है और उनकी दादी की उम्र है 103 वर्ष और दादी से लाड़ प्यार करते हुए पोते का ये वीडियो जो है वो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है और बहुत लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और अब तो वो बात नज़र भी नहीं आती जो पहले कभी देखी जाती थी। लेकिन देखिए, ये वही अंदाज, वही रंग जो है, वही पुराना अंदाज जो दादी और पोते के बीच में होता है, वो प्यार, वो प्रेम जो है नज़र आ रहा है यहाँ पर दादी और पोते के बीच में।
चरण की जांच की गई है। जी हां, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग क्षरण को रोकने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 8 सदस्यीय टीम उज्जैन पहुंची। टीम ने महाकाल शिवलिंग, महाकाल मंदिर के गर्भगृह, मंदिर के शीर्ष भाग पर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर और नागचंद्रेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया और बारीकी से इसकी जांच की गई। इसके साथ ही एक रिपोर्ट तैयार की गई है, इस रिपोर्ट पर समीक्षा होगी और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। हम लोग की टीम आई हुई है जो महाकाल ज्योतिर्लिंग का निरीक्षण हेतु, उसके अलावा अन्य भी निरीक्षण हेतु, तो हम चारों टीम के सदस्यों ने इसका निरीक्षण कर लिया है। अब इसकी हम लोग बैठ के समीक्षा करेंगे और उसी अनुसार उसकी जो है रिपोर्ट जो है माननीय उच्चतम न्यायालय को हम लोग सबमिट। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिवनी की। बहुत शानदार तस्वीरें दरअसल यहां से आई हैं, जहां के पेंच टाइगर रिजर्व की तस्वीर जरा देखिए। ये तस्वीर क्या बता रही है? ये तस्वीर बता रही है कि पेंच टाइगर रिजर्व में सैलानी जिस नजारे को देखने के लिए पहुंचते हैं, उस नजारे को जब देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये देखिए, ये बाघिन जो है ये यहां से इस सड़क को क्रॉस कर रही है और पीछे पीछे दो कब्स यानी कि शावक जो छोटे छोटे हैं वो दौड़ लगाते हुए अपनी मॉम टाइगर के पीछे चले जा रहे हैं। खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। पार्क में सुबह की सफारी के दौरान पर्यटकों को ये बेहद मनमोहक नजारा जो है नजर आया, उन्होंने अपने कैमरे में कैद इसे कर लिया। और आइए देखते हैं खबरों का 2020। करारी हार के बाद कांग्रेस का बड़ा फैसला, एमपी कांग्रेस की कार्यकारिणी को किया गया भंग, आगामी आदेश तक जिला अध्यक्ष करेंगे काम। खंडवा से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का बड़ा बयान, एमपी कांग्रेस की हाई लेवल बैठक पर का सातंस, कहा कांग्रेस हमारे सामने कहीं नहीं टिकती। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मोहन कैबिनेट की पहली बैठक खत्म, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। भोपाल में कांग्रेस का मंथन, 2024 की तैयारी पर चर्चा, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह की जिला अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, कैबिनेट विस्तार के बाद हुई मुलाकात। जबलपुर में मंत्री राकेश सिंह ने अधिकारियों को लगाई फटकार, का जनता के काम में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। मंत्री प्रहलाद पटेल ने भोपाल के टीटे नगर स्थित गुरुद्वारे में टेका मथा, सिख गुरु गोविंद सिंह के और उनके चार साहिबजादों की शहादत पर किया नमन। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, कहा मुझे दुख है कि बीजेपी ने सीनियर नेताओं को किया दरकिनार। सिवनी में बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में दाहदी को प्यार करते नजर आए। ग्वालियर में पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पड़ोसन से बचाने की लगाई गुहार, पड़ोसन पर गंदगी करने का लगाया आरोप। टीकमगढ़ में शिक्षकों ने जमकर किया डांस, फिल्मी गानों पर ठुमके लगा रहे शिक्षक, स्कूल में मनाई जा रही थी प्रमोशन पार्टी। सिवनी टाइगर रिजर्व में दो शावकों के साथ नजर आई बाघिन, रास्ते पर नजर आया बाघिन का कुनबा। इंदौर में मोबाइल के लत ने मासूम की ले ली जान, माता पिता ने बच्चे को दी थी मोबाइल कम चलाने की हिदायत, बच्चे ने खुदकुशी की। अनुराधापुरम में बच्चे की साइकिल चुराकर उसी पर बैठकर भागा चोर, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा वाकया। उज्जैन के महाकाल लोक में ठेकेदार की बड़ी लापरवाही, पार्किंग से नहीं हटाई गई मूर्तियां। श्योपुर में वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, नगर पालिका के कर्मचारियों ने किया जमकर हंगामा। जबलपुर में धान खरीदी में गड़बड़ी की शिकायत पहुंची भोपाल, खरीदी केंद्रों में प्रबंधकों के साथ मिलकर की गई थी गड़बड़ी। उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंची एएसआई जीएसआई की टीम, शिवलिंग क्षरण की होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। मंडला में रेलिंग तोड़कर पुल से नीचे गिरी कार, कार में सवार थे चार लोग, जबलपुर से मंडला जा रही थी कार। पिंड में पुलिस ने फर्जी सब इंस्पेक्टर को पकड़ा, रौब दिखाकर करता था ठगी, साइबर पुलिस की मदद से पकड़ाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, इसीलिए आप बने रहिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।